जो नकारात्मक एनर्जी नेगेटिव एनर्जीज कहाँ कहाँ जा रही है, और हमारी एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी, शक्ति E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन की फॉर्मूला है साइंटिफिक वे से आज के युग के अंदर. एंड एनर्जी नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड, इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, वो आज का विज्ञान कह रहा है. और हमारी आर्य परंपरा शक्ति आराधना के अंदर हम यही करते हैं कि नकारात्मक शक्ति वो शक्ति ही है, ये ध्यान रखना, जिसके अंदर ज्यादा नेगेटिविटी है ना, उसके अंदर पावरफुल नेगेटिविटी जिसके अंदर है, वो पावरफुल पॉजिटिव नहीं, पावरफुल डिवाइन वर्क कर सकता है. इतिहास बता रहा है, देख लो आप, कि जितने बड़े बड़े डाकू गुंडे ये वो थे मवाली, वो जब इस मार्ग में आते हैं तो उसका कल्याण भी उतनी ही स्पीड से होता है, क्योंकि दे हैव जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट्स ऑल. फ्रॉम नेगेटिव आसुरी शक्तियों से उसका सात्विकता के और डायरेक्शन हो गया, बस. ये पूरी आराधना हमारी शक्ति छह दिन की आराधना का रोल एक ही है के जो नकारात्मकता है, काली माँ है, शंका, भय, चिंता, घर्षण, ये सब को हटाकर, इस सब को हटाकर हमें एस्टैब्लिश होना है. किसमें? दिव्यता में. पॉजिटिव में नहीं होना है, बराबर ध्यान से सुनना. दिस आराधना इज नॉट फॉर पॉजिटिव एनर्जी, दिस आराधना इज फॉर डिवाइन एनर्जी. देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एनर्जी एंड डिवाइन एनर्जी. नेगेटिव और पॉजिटिव में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जैसे कि स्त्री और पुरुष, देयर इज ओनली 10% डिफरेंस. तो डिफरेंस जो है, एक्चुअल डिफरेंस वो है नेगेटिव एंड डिवाइन. दूसरी बात, डिवाइन इज नेचुरल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज क्रिएटेड एनर्जी बाय द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी हम, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति. व्यक्ति ही निर्माण करता है अपनी एनर्जी. दो प्रकार से निर्माण होती है एनर्जी, एक पूर्व कर्म जनित, यानी कि जो हमने स्टोर की है डेटा बैंक के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर एनर्जी स्टोर की है, वो रिलीज होती है हर सांस में, रिलीज होती है एनर्जी, जिसे शास्त्रीय भाषा में उदय कर्म कहते हैं. वो कुछ नहीं है, उदय कर्म यानी रिलीज ऑफ मैच्योर्ड एनर्जी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में जो अमाउंट डाला है उसका मैच्योरिटी होता है, वो बाहर आता है तो एनर्जी है. अभी फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला तो आपका काम का है क्या? डोरमेंट है वो. जब बाहर आएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो ना. समझो 10 लाख की आपकी फिक्स डिपॉजिट है, वो बैंक में पड़ा है, क्या फायदा है? कुछ नहीं. जिस दिन वो बाहर आया तो आप क्या क्या कर सकते हो? समझ में आया? सो दैट इज ऑल्सो एनर्जी. सिमिलरली हमारे अंदर ये जो एनर्जी है दो प्रकार की है, वन इज स्टोर्ड एनर्जी जिसे हम कार्मण बैंक कहते हैं जैन परिभाषा में, और कारण शरीर कहते हैं वैदिक परंपरा में. तो कारण और कार्मण शरीर और कुछ नहीं है, इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी. द वॉट एवर फॉर्म वी हैव स्टोर्ड, इट इज देयर लाइंग डोरमेंट. जब उसका उदय यानी मैच्योरिटी पीरियड आता है तो एनर्जी बाहर आती है. तो हमारे जीवन में हमारा, हम जिसे भाग्य कहते हैं, वो भाग्य और कुछ नहीं है लेकिन स्टोर्ड एनर्जी है. क्या है? स्टोर्ड एनर्जी जो हमने इकट्ठी की है भूतकाल में. पूर्व संस्कार कहते हैं, पूर्व कर्म कहते हैं, और कुछ नहीं है वो. दैट इज ओनली नथिंग बट स्टोर्ड एनर्जी. नाउ एवरी हर सांस में वो स्टोर्ड एनर्जी बाहर आती है, रियलाइज होती है, परिणाम देती है.
वो अपना परिणाम भूतकाल के हिसाब से देती है। नाउ पुरुषार्थ कहाँ आया? आराधना किसे कहते हैं? आराधना इसे कहते हैं, उस एनर्जी जब अंदर से बाहर आती है तब हमें क्या करना है? ये आराधना हमें क्या कराती है? जागृति देती है, अवेयरनेस देती है, अलर्टनेस देती है। जागृति, अवेयरनेस, अलर्टनेस देती है। और अगर हम अलर्ट और अवेयर हो गए तो वी हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन। समझ में आया? कभी कभी क्या है, भाग्य अच्छा होता है लेकिन हम अपने दिमाग से अच्छे भाग्य की बैंड बजा देते हैं। कई लोग देखो आप, सब सुख समृद्धि साधन संपन्न सब कुछ है लेकिन वो बर्बाद कर देते हैं ऐशो आराम में, अपने गलत आदतों में उसको घुसेड़ देते हैं। सो दे कन्वर्ट इट गुड एनर्जी इनटू बैड एनर्जी। सिमिलरली ऑल द नेगेटिव एनर्जीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिवाइन एनर्जीज। आराधना का मतलब ये है कि नेगेटिव एनर्जी को डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट करना। नाउ व्हाट इज द स्वरूप? डिवाइन एनर्जी किसे कहते हैं? व्हाट इज दिस डिवाइन एनर्जी एंड हाउ इज द कंपोजिशन ऑफ डिवाइन एनर्जी? देखो बहुत बड़ा साइंटिफिक भाषा में मैं बोल रहा हूँ। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डिवाइन एनर्जी? व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ? उसमें क्या क्या होता है? तो हमारी एनर्जी के तीन कैटेगराइजेशन है साइंटिफिक भाषा में, सत्व रजस तमस, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। तमस यानी न्यूट्रल, सत्व यानी पॉजिटिव, रजस यानी नेगेटिव। रजस क्या कराता है? दौड़ा भागी कराता है, दिन भर दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, ये कहीं भी स्थिर नहीं होता है उसे रजस कहते हैं, और कहीं भी हिलता नहीं है उसे तमस कहते हैं। समझ में आया? कहीं भी स्थिर नहीं रहता है, कुड़कुड़ 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 कई लोग को आप देखते हो हा? और अक्सर अक्सर देखो एक बहुत डेलिकेट सेंसिटिव बात करने जा रहा हूं मैं, आप देखोगे लेडीज आर ऑलवेज हाईली टॉकेटिव, उसको बोले बिगर चैन नहीं पड़ेगा, चालू ही रहता है नॉन स्टॉप टेंडेंसी। दिस इज अ नेचर ऑफ अ वुमन, इट्स नॉट अबाउट वन वुमन बट इट इज अ जनरल नेचर ऑफ अ वुमन, स्त्री। और शांति से बैठ नहीं सकते, उसको कुछ ना कुछ कीड़ी ने केम कहीं ना कहीं काम जो है, मानव स्वरूप में जो कीड़ी हो तो स्त्री है। ये कीड़ी जेम जेम बधो संग्रह करे ने, कोई पण स्त्री घर में जोजो तो मैं संग्रह कोण करे? हाँ, कचरा में कचरा नहीं, आ काम नहीं, नहीं फेंकवा, एवो कचरो जमा करे, एवो करे, एवो करे, एवो करे, के बाप रे न पूछो बात। दिस इज नेचुरल। दूध वाला भैया ने पूछो, साख वाला भैया ने पूछो, बधु भाव ताल करीने माप तोल करीने नहीं नहीं तो एम बे चार वस्तु पाड़ी लाई ने ओलो टेवायेलो एटले के समझे। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ए टाइप ऑफ एटीट्यूड एंड दैट एटीट्यूड कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। नाउ दिस इज नेचुरल। देखो स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, और खाली इंसान में नहीं होता है, पशु जगत में होता है, पक्षी जगत में होता है, वनस्पति जगत में भी होता है, हर जगत में होता है। स्त्री स्त्रैण गुण और पौरुषिक गुण ये हर जगह होता है। दिस इज नेचुरल। सो नाउ द क्वेश्चन इज, अभी हमारा सवाल ये है, यहाँ पर हम आराधना क्या करने बैठे हैं? तो के हम आराधना डिवाइन एनर्जी किसे कहते हैं? डिवाइन एनर्जी इसे कहते हैं कि जहां सत्व रजस और तमस का बैलेंस है। इट डजंट अलाउ एनीवन टू ओवरपावर अदर्स। That is balance, proper balance.
इसी को कहते हैं डिवाइन एनर्जी। समझ में आया? तो हमारा ये आराधना का रोल क्या है? ओम ह्रीम क्लीम महाकाली देव्याय नमः, ये क्या करता है? ये क्लीनिंग प्रोसेस करता है। वो काली माँ को, काली माँ यानी शंका को, भय को, चिंता को, डिफरेंसेस को, घर्षणों को साफ करता है ये मंत्र। दूसरा मंत्र कौन सा दिया साथ में? व्यवहार मंत्र, परम लक्ष व्यवहार मंत्र, मुझे नहीं होना। तो आज कौन सा दिन है? पहचान दिन, जलन पहचान दिन। तो महाकाली माता का स्वरूप जो है, आपने सब स्वरूप देखा है फोटो में, रौद्र स्वरूप होता है ना, ये एक बाल जीव को समझाने के लिए है ये स्वरूप, कि काली माता, महाकाली माता का जो स्वरूप है वो हमारे अंदर रही हुई काली माँ, यानी के उनके स्वरूप के अंदर आप देखे हैं ना, उनकी रौद्र स्वरूप गुस्सा जो दिखता है, वो गुस्सा किस पर? हम पर नहीं है, हमारे अंदर रही हुई नेगेटिविटी के ऊपर है व्यक्ति, इसलिए खोपड़ियां लटकाई होती है। वो खोपड़ियां यानी क्या? व्यक्तियां। फिर माला लटकाई होती तो वस्तु, फिर उग्रता दिखाई फेस पे, जो हमारे जीवन में आती है उग्रता, एग्रेशन आता है ना, गुस्सा आता है बार 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 बार, खुद पे आता है और हम करते किसके ऊपर? जो सामने आ गया उसको धो डाला। गुस्सा वाकई होता है किसका? खुद को, खुद के ऊपर, लेकिन खुद पे तो गुस्सा नहीं कर सकते, तो जो सामने आया, जो भी कुछ मिला, धो डाला उसको, है कि नहीं? बोलो, यही कर रहे ना। सेवा, तन सेवा, हमारे पास जो शरीर है उसको लोगों के लिए हेल्पफुल बनना, मन सेवा, अनुमोदना, मात्र अनुमोदना करो, डोंट क्रिटिसाइज एनीबडी मैन, वी हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज एनीबडी, जस्ट अनुमोदना करो, जितना आपको लगता है अनुमोदना करो, जितना आपको लगता है व्यवस्थित नहीं हो रहा है तो आंख बंद करके आगे निकल जाओ। अगर आप उसमें कुछ चेंज ला सकते हो, हेल्पफुल हो सकते हैं तो अच्छी बात है, बट डोंट क्रिटिसाइज, अपनी जवान, अपना दिमाग खराब मत करो कचरा पेटी से। इसे कहते हैं अनुमोदना, मन, मन सेवा। तीसरी सेवा, धन सेवा। आपके पास जितना धन है अभी लगा दो, इन्वेस्ट कर दो, अभी लगा दो, इन्वेस्ट कर दो, ताकि आपको मानव जन्म वापस मिले और आप भगवान बनने के मार्ग पे आगे बढ़े रहो। ऐसे माध्यम में आपकी संपत्ति, देखो संपत्ति हम कोई पैदा हुए तब लाए नहीं थे, ना ले जाने वाले हैं, तो करना क्या है उस संपत्ति का? उस संपत्ति को भगवान ये नहीं बोल रहे हैं, भगवान इतना ही बोल रहे हैं कि जस्ट कीप असाइड 10% मैन, 10% साइड में लगाकर दूसरों के उपयोग में बहा दो। अगर ज्यादा है तेरे पास, तेरी रिक्वायरमेंट खुद की कम है, तो और ज्यादा लगा दे, लेकिन मिनिमम 10% लगा,
ये सेवा में चुकना मत, दिस इज लॉ ऑफ नेचर। तू यहां जो देगा तेरे हाथ में देने की सत्ता है अभी, ना स्वर्ग में सत्ता है देने की लेने की, ना नरक में है देने लेने की, ना तिरियंच में है लेने देने की, सत्ता मात्र यहां है लेने देने की। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसी के घर की बात नहीं है, दिस इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन जिसके हम सब एक अंश है। दिस इज कंटिन्यूअसली इन पावर। इफ यू डोंट बिलीव, इफ यू डोंट फॉलो, तो कारावास, तीन कारावास भगवान ने बता दिए, बी रेडी फॉर दैट। अगर इस तीन कारावास से भी तेरा तू सुधरा नहीं, तो एक चौथा अनंत कारावास, निगोद नाम का स्थान है, ये चौथा अनंत कारावास। और पांचवा मनुष्य से, और पांचवा स्थान है अनंत सुख, अनंत मुक्ति, सिद्ध गति, ये अनंत मुक्ति का स्थान है, जहां पर हम देह से मुक्त होकर निरंतर मस्ती और मजे में रह सकते हैं अनंत काल तक, जहां न कोई प्रकार का कारावास है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज लॉ ऑफ नेचर, दिस इज लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो तन सेवा, हमारे पास जो शरीर है उससे लोगों को समय दो, लोगों को उपयोग भी होने में लगाओ। मन सेवा, सबकी अनुमोदना करो। धन सेवा 10%, अपने पास जो है 10%, बी ऑनेस्ट, कोई आपका चेकिंग करने नहीं आने वाला है, कोई आपका चेकिंग नहीं करेगा, आप कुछ भी बोलोगे तो सब एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, दैट्स इट। चौथी सेवा, वचन सेवा, बोलो तो कैसा बोलो, ऐसा बोलो कि लोगों को दिल की ठंडक पहुंचे, रोगों को अपने वचन से रास्ता मिले। ये इतना काम तो कर सकते हैं कि नहीं दिन भर, के गाली गलौज और दूसरे की निंदा कुथली, निंदा कुथली, यही तो करते हैं हम दिन भर। निंदा और कुथली, निंदा कुथली, इससे मुक्त होना है। और पांचवा, हमारे जो संपर्क है उसको काम में लगाना। सौमी रे मैत्री करूं प्रभु, मैत्री करूं प्रभु, मैत्री करवानी माता को। दीन क्रूर ने